राजकोट भी हमारा प्यारा है, पूरा गुजरात में ही जाएंगे। अब अगले हफ्ते 6 तारीख को बड़ौदा में आ रहे हैं, 7 तारीख को जामनगर में आएंगे, पूरे गुजरात में जाएंगे। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे हर जगह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनकी नजर इस वक्त सिर्फ एक जगह दिखाई दे रही है और वो जगह है गुजरात। जी हां, मिशन गुजरात जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे कर रहे हैं। पिछले तकरीबन एक महीने के अगर उनके हम गुजरात के दौरे निकाले तो आपको नजर आएगा कि पांचवी बार अब वो गुजरात पहुंच रहे हैं। 6 और 7 तारीख को उनका गुजरात दौरा है जहां पर वो जनसभा करने वाले हैं और साथ ही साथ व्यापारियों के साथ टाउन हॉल कार्यक्रम भी है। और ये कहा जा रहा है कि इस जनसभा में वो कुछ और चुनावी ऐलान कर सकते हैं। तो पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से मिशन गुजरात को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरा जोर लगा रहे हैं और लगातार गुजरात में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 6 और 7 अगस्त को गुजरात का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। 6 अगस्त को जामनगर के टाउन हॉल में व्यापारियों को संबोधित करेंगे। 7 अगस्त को छोटा उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही कुछ चुनावी ऐलान भी करेंगे। 1 अगस्त को गुजरात में युवाओं को रोजगार देने की दूसरी गारंटी का केजरीवाल ने ऐलान किया था। 26 जुलाई को गुजरात के राजकोट में व्यापारियों के साथ टाउन हॉल कार्यक्रम किया। 21 जुलाई को भी गुजरात में मौजूद थे और गुजरात के सूरत में पहली गारंटी के तौर पर 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। और उससे पहले 3 और 4 जुलाई को यानी कि 2 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे। केजरीवाल अहमदाबाद के दौरे पर थे जहाँ 3 जुलाई को उन्होंने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और 4 जुलाई को टाउन हॉल कार्यक्रम में शामिल हुए। तो गुजरात विधानसभा चुनावों के ऐलान में अभी वक्त है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में जनता के बीच जाकर कई बड़े ऐलान अब तक कर चुके हैं। और 6 और 7 अगस्त को जब वो दोबारा से गुजरात का दौरा करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर एक बार फिर से वो कुछ और ऐलान जनता के बीच में करेंगे। अभी तक वो 2 बड़ी गारंटी का ऐलान कर चुके हैं। पहली गारंटी के तौर पर उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे हर परिवार को। और उसके साथ साथ दूसरी गारंटी के तौर पर उन्होंने रोजगार का ऐलान किया, ये भी कहा कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को तब तक वो 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से गुजरात पहुंचेंगे और लगातार व्यापारियों के साथ भी बात कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पिछली बार यानी कि जब 1 अगस्त को गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे उस वक्त पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आए थे अरविंद केजरीवाल और सीधे तौर पर जनता के बीच में जाकर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर आते हैं तो वो क्या करेंगे। और उन्होंने ऑप्शंस भी रखे कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आपके बच्चों को, आप लोगों को क्या कुछ मिलेगा और अगर उन्हें वोट देंगे तो क्या मिलेगा। आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने बच्चों को जहरीली शराब पिलाना चाहता है? जो जो लोग अपने बच्चों को जहरीली शराब पिलाना चाहते हैं इनको वोट दे देना। जो जो अपने बच्चों को रोजगार और शिक्षा देना चाहते हैं मेरे को वोट दे देना। इनको वोट दोगे तो जहरीली शराब मिलेगी, भ्रष्टाचार मिलेगा। हमें वोट दोगे स्कूल, अस्पताल और बच्चों को रोजगार मिलेंगे। तो मिशन गुजरात पर यूं तो सभी दलों की नजर है, लेकिन दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार गुजरात में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और गुजरात के लोगों को जीतने के लिए, उनके दिल को जीतने के लिए, वहां पर अपनी पार्टी को जीत हासिल दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि 5वां दौरा उनका होने वाला है पिछले 1 महीने में, ये जब 6 और 7 अगस्त को वो गुजरात पहुंचेंगे। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।